आज सब लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे दोस्त और जो भी लोग मुझे प्यार करते हैं सब आए हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज हम BCL गुजरात का आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि BCL गुजरात के साथ हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एंड ऑल दीज पीपल आर हियर टू सपोर्ट अस। मुझे लगता है कोई भी चीज़ शुरू होती है तो वो छोटे से शुरू होती है, एंड BCL की भी जब शुरुआत हुई थी तो किसी को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा बन जाएगा, बट एवरीथिंग हैज़ बिन गोइंग गुड फॉर BCL। सब पूरी इंडस्ट्री BCL को आज जानती है कि BCL क्या है, कितनी अच्छी प्रॉपर्टी बन गई है, एंड वेरी वेरी प्राउडली आई से दैट आई एम दी ओनर ऑफ BCL गुजरात, बिकॉज BCL जब शुरू हुआ था मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि BCL इतना अच्छा करेगा, एंड ऑल थैंक्स टू एवरीबडी हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ BCL दैट BCL टुडे स्टैंड्स हियर। ये लीक है, अभी टीम्स फाइनल नहीं हुई हैं, अभी आज हम सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हैं BCL का। अब 6 टीम्स BCL गुजरात की बनेंगी, और जो भी टीम के ओनर्स होंगे वो लोग अपने अपने प्लेयर्स को चूज़ करेंगे, बट वन थिंग आई कैन से दैट जैसे BCL में होता है सारे सेलिब्रिटीज़ खेलते हैं, BCL पंजाब में सारे सेलिब्रिटीज़ थे, सिमिलरली यहाँ पे भी सारे सेलिब्रिटीज़ ही BCL गुजरात का पार्ट होने वाले हैं। देखिए वेल मेरे पास ऐसे कोई नाम नहीं है जिनको मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि वो इस लीग का हिस्सा बने, मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस लीग का हिस्सा बने, और स्पेशली जो लोग BCL खेल चुके हैं वो सभी लोग BCL गुजरात का भी हिस्सा बने तो इल बी वेरी नाइस, बिकॉज उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये गेम कैसे होता है, कैसे खेला जाता है, कैसे वहाँ पर हम लोग शूट करते हैं। सो पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ BCL वुड आई वुड लव देम टू बी अ पार्ट ऑफ BCL गुजरात। अभी जो मेरा मेन फोकस है वो BCL गुजरात पर है, व्हेन आई स्टार्ट समथिंग न्यू आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। वेल एक्टिंग मेरा पहला प्यार है और वो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। मेरा बिजनेस BCL गुजरात, मेरी टीम अहमदाबाद एक्सप्रेस, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। पहला मेरा प्यार हमेशा एक्टिंग रहा है और एक्टिंग ही रहेगा। थैंक यू। एक बार फिर से पूछिए, मैंने सुनाई नहीं दिया। जो पार्टी है अनाउंसमेंट उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए मैं पार्टी ज़्यादा अटेंड नहीं करती, लेकिन जब नंदिश और गौरव ने मुझे स्पेशली बोला कि आने के लिए आई हैड टू कम, बिकॉज दीज टू गाइज दे आर सो फुल ऑफ लाइफ, इतने अच्छे बंदे हैं और इतनी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट, इतना नई नए कॉन्सेप्ट वो लोग काम करते हैं। व्हेन दे आई जनरली आस्क्ड देम, व्हेन दे स्पोक टू मी अबाउट दिस, आई सेड वाओ आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड सी सो आई एम हियर। नहीं मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करती, लेकिन वेरी रिसेंटली अभी जबकि 3 साल ही हुए शादी को, जब से शादी हुई है थैंक्स टू माय हस्बैंड मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया प्रॉपरली। पहले तो बचपन में पापा नहीं देखना चाहते, आई डिडंट वांट टू वॉच, बट यस सचिन तेंदुलकर बीइंग माय ऑल टाइम फेवरेट, आई हैव स्टार्टेड लविंग क्रिकेट। और ये जो स्पेशली BCL शुरू हुआ है विद ऑल स्पेशली द टीवी पीपल एंड ऑल, सो इवन दो आई कैन नॉट प्ले, I love it. I really want to be a part of it every time. And hence I'm here. Today I want to support it the way it should be supported. Thank you. Achhi jagah hai. Main abhi pahunchi hoon, but the crowd looks great. Industry se kafi log aaye hue hain, which is always a good thing. So yeah, it's really nice. आई एक्चुअली लाइक क्रिकेट, मैंने क्रिकेट पे एक शो भी किया था अभी ABP न्यूज़ के साथ वर्ल्ड कप T20 पे, और आगे भी आप देखेंगे मेरा स्पोर्ट्स के साथ हमेशा एक नाता बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया में रह के भी मैं हमेशा इंडियन टीम को फॉलो करती थी, तो स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, एंड क्रिकेट हमारी एक पहचान है, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सॉरी,
Oh, the launching. Yeah. All right. It's been a very successful launch. And I think Gujarat is such a state where if you take any thing outside, it's always a very good platform. Whether it's business, whether it's fashion, whether it's sport, whether it's entertainment. So I think it's been a great launch. And I'm sure this team will do absolutely amazing in BCL. What do you want to say about BCL? It's a very good team. And both are very good friends. Gaurav and Nandesh, both of them. And I wish them all the very, very best. Team to meri khud apni team hai. I'm representing, I'm a part of the team. And it's BCL is a great initiative by the entire community, television community. And jis tarah inhone mil jul ke ye put together ki hai team. Aur jitni mehnat karte hain dono, Nandesh aur Gaurav, I've seen them working so hard at it. It's amazing. And I wish them all the very best from my heart. नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि आई थिंक मैं अभी बिग बॉस में था कुछ महीने पहले और बिग बॉस में ही एक बहुत कमाल के मेरे को कंटेस्टेंट हैं सुयश जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो पहले क्रिकेटर ही बनना चाह रहे थे बिफोर सम इंजरी और समथिंग ही हैड सो सिमिलरली देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर वेरी वेरी गुड प्लेयर्स इन द टीवी इंडस्ट्री और इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड सुयश जैसे फॉर एग्जाम्पल है कोई मजाक वाली बात नहीं है आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो कि खेलते अच्छा है ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े नाम जो एसोसिएटेड हैं और अच्छे नाम एसोसिएटेड हैं और इस पैमाने में जो किया जा रहा है ये इवेंट तो ये जो शो है इस इवेंट को इस स्केल पे किया जा रहा है तो नेचुरली एक स्केल डेफिनेटली मिलती है वेल आईपीएल की अपनी फॉलोइंग है आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को दिस इज़ एन एंटरटेनमेंट शो इट्स मोर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड दैट इज़ फुल ऑन स्पोर्ट तो एक स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट इसको कंबाइन किया हुआ स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट वो फुल ऑन स्पोर्ट है क्या कहना चाहेंगे आपके मित्र आपके साथी नंदीश संधू मुझे याद है जब मैंने अपना पहला शो किया था उत्तरन मेरी नंदीश से मुलाकात वहाँ पर हुई थी वो सफ़र को आज कम से कम 5-6 साल से ऊपर हो चुका है और हमारी बॉन्डिंग जो है वो मतलब ये कह सकते हैं एक सेइंग होती है कि यू नो ब्रदर फ्रॉम अ डिफरेंट अनदर मदर तो वो वाली कहावत है कि दोनों भाइयों जैसे हैं और हर चीज़ शेयर दोनों पंजाबी हैं तो हर चीज़ शेयर करते हैं और सुख दुख में साथ में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले अहमदाबाद एक्सप्रेस थी अब तो पूरी गुजरात खरीद ली उसने पता नहीं ये कर क्या रहा है बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि जैसे वो अहमदाबाद एक्सप्रेस को बहुत आगे तक लेके गया मैं चाहता हूँ कि पूरी गुजरात को अब जो है वो BCL में जो है वो पॉपुलर करे और बहुत आगे तक लेके जाए और बहुत सारा एंटरटेनमेंट हो आप कौन सी टीम में देखिए अभी ये डिसाइड नहीं हुआ और मैं खुलासा भी नहीं करूँगा बहुत इनिशियल स्टेज पर है बातें जब फाइनल हो जाएंगी फिर मैं इसके बारे में आप सबको बताऊँगा शूटिंग दौरान थक जाते हैं 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है 15-15 घंटे हार्ड वर्क होता है कितना एंजॉय करते हैं आप इसमें BCL में देखिए BCL में तो काफ़ी सारे दोस्त तैयार हो जाते हैं अपने साथ क्रिकेट अगेन एंड एक अलग एंटरटेनमेंट होता है जहाँ पे आपके एक्टर्स मिल जाए और क्रिकेट मिल जाए साथ में तो वो इन्जॉयमेंट जो है वो डबल हो जाता है तो वहाँ थकावट महसूस नहीं होती और प्लस क्रिकेट तो क्या है वो बचपन से आप आदमी खेलते आए होते हो तो यू ऑलवेज इन्जॉय दैट काफ़ी वेट कम कर लिया है क्या है क्या राज है देखिए थोड़ा सा वक्त मिला था मुझे अपने लिए मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा सा फिट हो जाऊँ बिकॉज क्या होता है कि अगर आप रेगुलर शूटिंग करते रहो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को थोड़ा सा फिट रखने के लिए बिकॉज आप रोज़ कम से कम 12-14-15 घंटे काम करते हो और उसमें टाइम निकालना बड़ा बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है तो अभी बीच में मुझे 1-2 महीने फ्री मिले थे जहाँ पे मैंने अपने आप को कहा कि ये बहुत हो गया इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और मैच्योर हो जाऊँ मैं वापस से अपने कॉलेज डेज में आ जाता देखिए फ़िलहाल तो मेरी अभी फिल्म्स की बात चल रही है आई होप सो कि वो हो जाए फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह हर किसी का अरमान होता है कि वो बड़े पर्दे पर आए और मेरा भी है